नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जन्माष्टमी का व्रत पूजन कैसे करें? भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि बुधवार एवं रोहिणी नक्षत्र की अर्धरात्रि में मथुरा नगरी के कारागार में अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करके षोडश कला से संपन्न यदुवंश के चंद्रमा पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव होने के कारण इस उत्सव में मुख्य रूप से भगवान की सेवा, उनका विशिष्ट श्रृंगार, व्रत एवं जागरण किया जाता है। इस दिन मंदिरों, गली मोहल्लों और घरों में भगवान श्री कृष्ण की लीला की झांकियां सजाई जाती है। लड्डू गोपाल का श्रृंगार करके उनका पालना सजाया जाता है और रात्रि में जन्म के बाद उन्हें पालने में झुलाया जाता है। जन्माष्टमी की व्रत पूजन विधि। जन्माष्टमी को पूरा दिन व्रत रखने रात्रि के 12 बजे तक का विधान है। पूरा दिन व्रत न रख सके तो दिन में फलाहार कर सकते हैं। यदि समस्त पापों को समूल नष्ट करना चाहते हैं तो उत्सव के अंत तक व्रत रखें, फिर वैष्णवों को भोजन कराकर तब भगवान के प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य अपने कुल की 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि करके सुंदर और स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान के सामने संकल्प करें कि हे पुण्डरीकाक्ष, आपके चरण कमल ही एकमात्र मेरा सहारा है। मैं आपकी प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए जो भी उपचार उपलब्ध है उनसे श्रद्धा भक्ति पूर्वक जन्माष्टमी का व्रत एवं पूजन करूँगा। घर के द्वार और घर में स्थित मंदिर के द्वार को आम और अशोक के बंदरवार से आकर सजाएं। द्वार पर केले के स्तंभ और मंगल कलश लगाएं। दिन में लड्डू गोपाल या फिर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को शंख में जल भरकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम नमो नारायणाय या गोपी जन वल्लभाय नमः या फिर श्री कृष्णाय नमः या ओम क्लीम कृष्णाय नमः का उच्चारण करते हुए शुद्ध जल से और पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और बूरा को मिलाकर पंचामृत बनाकर स्नान कराएं। भगवान को पंचामृत स्नान कराने से मनुष्य के सारे पाप दूर हो जाते हैं। जन्माष्टमी महोत्सव पर भगवान को ऋतु के अनुकूल सुंदर पोशाक, केसर युक्त चंदन का तिलक और श्रृंगार धारण कराकर दर्पण दिखाना चाहिए, क्योंकि बाल कृष्ण अपने रूप पर ही मोहित होकर रीत जाते हैं। बच्चे की भांति उन्हें सुंदर खिलौने, गाय, मोर, हंस, बत्तख, झुंझुना, फिरकनी, गेंद, बल्ला, झूला आदि सजाकर प्रसन्न करना चाहिए। श्री लड्डू गोपाल को तुलसी की मंजरियाँ, चंदन का इत्र और कमल का पुष्प अर्पण कर उन्हें प्रसन्न करें, क्योंकि इससे मनुष्य इस लोक में समस्त वैभव प्राप्त करके मृत्यु के बाद उनके परम धाम को प्राप्त होता है। भगवान श्री बालकृष्ण को श्यामा तुलसी की श्याम मंजरी अति प्रिय है। इसके बाद भगवान को धूप, दीप और कपूर आदि से आरती करें। इसके बाद श्री लड्डू गोपाल को माखन, मिश्री, दूध, दही, फल, मिठाई आदि का भोग लगाएं। दिन में भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर कीर्तन भजन करें और उनके नामों का उच्चारण करें। उनके 11 नाम इस प्रकार हैं: ओम कृष्णाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम गरुड़ ध्वजाय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम मुकुंदाय नमः, ओम प्रभवे नमः, ओम वृंदावन विहारिणे नमः। कैसे करें भगवान का जन्म उत्सव? रात्रि में 12 बजे भगवान श्री कृष्ण के गर्भ से जन्म लेने के प्रतीक के रूप में खीरा को बीच से दो टुकड़ों में चीर लें, परंतु खीरा नीचे से जुड़ा होना चाहिए। उस खीरे के बीच में लड्डू गोपाल को बिठाकर निकाल लें। इस तरह भगवान का जन्म करावें। जन्म के बाद पंचामृत में तुलसी डालकर स्नान करवाएं, वस्त्र और श्रृंगार धारण करवाएं। इस तरह भगवान का जन्म करवाएं। जन्म के बाद पंचामृत में तुलसी डालकर स्नान करवाएं, वस्त्र और श्रृंगार धारण करवाएं। जन्म के बाद भगवान को पालने में विराजित करें, फिर शंख और घंटा ध्वनि के साथ भगवान की कपूर आदि से आरती करें। प्रसूति के समय खाए जाने वाले मेवों के पाग, मूंगफली, मखाने, खरबूजे और काशी फल के बीजों की नमकीन, पंजीरी, नारियल की बर्फी, छुहारे, अनार, कुट्टू और सिंघाड़े के व्यंजन आदि तरह तरह के फलाहारी पकवान का भोग लगवाएं।
लड्डू गोपाल को पालना झुलाते समय श्री कृष्ण जन्म और बधाइयों के पद गाए, भगवान का प्रसाद सबको बांटे। पूरे दिन के व्रत को रात में चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ देने का मंत्र है, सोमाय सोमस्वराय सोमपतये सोम संभवाय सोमाय नमो नमः, ऐसा कहकर चंद्रमा को अर्घ दें। इसके लिए शंख में जल, गंध, पुष्प और फल डालकर चंद्रमा को अर्घ दें। पूरे दिन व्रत रखने वाले फलाहारी प्रसाद खाकर भगवान की मूर्ति के पास ही भूमि पर शयन करें। हो सके तो रात्रि जागरण करें और गोपाल सहस्त्र नाम आदि का पाठ करें। दूसरे दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर नंदोत्सव करें। इसे ब्रज में दधिकांदों के रूप में मनाया जाता है। यह उत्सव बहुत आनंद देने वाला होता है। इस दिन भगवान पर कपूर, हल्दी, दही, घी, तेल, जल और केसर मिलाकर चढ़ाते हैं और फिर भगवान की छींछी कहकर भक्तगण आपस में एक दूसरे पर छिड़कते हैं। नंद उत्सव के दिन भगवान श्री कृष्ण की बधाइयाँ गाई जाती है। जन्माष्टमी व्रत पूजन का महात्म्य। श्री कृष्ण जन्माष्टमी हिंदुओं का महान पर्व है। इस दिन व्रत पूजन से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, सुख की वृद्धि होती है और सहस्त्र एकादशियों के व्रत का फल मिलता है। धर्म में आस्था रखने वाले कोई भी व्यक्ति जन्माष्टमी का व्रत पूजन कर अपनी अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर सकता है। जन्माष्टमी का उत्सव निराशा में आशा का संचार करने वाला है। श्री कृष्ण के प्रादुर्भाव के 5000 से भी अधिक वर्ष बीत चुके हैं, परंतु आज भी भक्तजन इस मंगलमयी तिथि की पूजा, जन्म उत्सव के आयोजन और व्रत का पालन करके अपने आप को धन्य करते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।